Hi everyone, welcome to Remedies with Aisha. This is my new video on bath and body essential for the newborn to 1 year. यानी बच्चों को नहलाने और स्किन के लिए जरूरी चीज़ें। मैं आज कुछ ही चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो मैं अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, पहला लड़का है जो अभी 1 साल 9 महीने का है, दूसरी बेटी है जो 4 महीने की है। मेरे दोनों बच्चों की स्किन बहुत अच्छी है क्योंकि मैं शुरू से ही दोनों की स्किन का इन्हीं चीज़ों से ख्याल रखती हूँ। ज़्यादा महंगी चीज़ें भी नहीं है और बिल्कुल सस्ती वाली भी नहीं है, ये ठीक ठाक है, अफोर्डेबल है, आप ले भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हर बच्चे की स्किन अलग होती है, इसीलिए आप ये चीज़ें यूज़ करने के बजाय वो चीज़ें भी यूज़ करके देखिए जो आपके बच्चे की स्किन को सूट करें। मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मेरे बच्चों की स्किन को बहुत सूट करती हैं, और मैं कोशिश करूँगी मैंने ये चीज़ें कहाँ से ली हैं, कैसे ली हैं, और इनका लिंक डालने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ होती है मसाज ऑयल, यानी बच्चों को मालिश करना। मालिश करने के लिए तेल की जो ज़रूरत पड़ती है वो, मुझे लगता है मालिश करना सबसे अच्छा तरीका है आपके बच्चों को ग्रो करने के लिए और बच्चों की बॉडी की स्किन को चमक बढ़ाने के लिए। मालिश बच्चे की बॉडी को मजबूत बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगी कोकोनट ऑयल, यानी नारियल का तेल। ये हर मौसम के लिए ठीक रहता है, बल्कि बहुत परफेक्ट रहता है हर मौसम के लिए। ये बच्चे की स्किन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑयल है क्योंकि ये बहुत लाइट रहता है और ये हर स्किन पे सूट करता है। ये स्किन के रंग को भी काफ़ी साफ करता है, ये बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मैंने ओरिजिनल जो नारियल का तेल होता है वो ऑयल मार्केट से मंगवा करके रख रखा है, तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके पैराशूट की बॉटल में भरती रहती हूँ और इससे मसाज करती हूँ। आप चाहें तो पैराशूट के प्योर कोकोनट ऑयल से भी मसाज कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ से आपको लेना पसंद हो वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं रिकमेंड करूँगी आपको सैतून का तेल, ऑलिव ऑयल। ये सर्दियों के लिए बहुत अच्छा रहता है, इससे मालिश करने से बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्माहट रहती है, तो मैं सर्दियों में बच्चों को ऑलिव ऑयल से ही मसाज करती हूँ। उसके अलावा सरसों के तेल से भी मालिश कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल की मालिश करने के बाद बच्चों को नहलाना ज़रूरी होता है क्योंकि बॉडी थोड़ी चिपचिपी टाइप की हो जाती है, इसलिए बच्चों को मालिश करना बहुत ज़रूरी है। आप मालिश डेली करिए, चाहे 5 मिनट करिए लेकिन डेली करिए। नेक्स्ट हम चलते हैं मालिश के बाद बैथिंग की तरफ, यानी बच्चों को नहलाने की तरफ। तो मैं शुरू से ही अपने बेटे के लिए शुरू से ही यूज़ कर रही हूँ ये डव का बेबी वॉश। देखिए आप देख सकते हैं नो सल्फेट्स, पैराबेंस, टीयर फ्री है इसके अंदर। सबसे अच्छी ये बात है कि ये टीयर फ्री है, ये मेरे बच्चों की आँख में चला भी जाता है तो भी वो नहीं रोते हैं। ये हेड टू टो वॉश है, आप सर से लेकर के पैर तक धो सकते हैं, बाल भी धो सकते हैं, मुंह भी धो सकते हैं, पूरी बॉडी साफ कर सकते हैं। स्किन के ऊपर बहुत अच्छा है, कोई रैशेज नहीं होते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत लाइट है। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा थिक है, ये ज़रा सा डालो और पानी के साथ यूज़ करो, बहुत अच्छे से बॉडी वॉश हो जाती है। उसके बाद जब बच्चे 4 महीने से ऊपर के हो जाते हैं तो मैं बाल उनके जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो शैम्पू भी यूज़ करने लगती हूँ। शैम्पू के लिए पहले मैंने हिमालय का शैम्पू यूज़ किया था, वो भी अच्छा था, लेकिन अब मैं जॉनसन्स बेबी शैम्पू यूज़ करने लग गई हूँ। ये भी टीयर फ्री है, बहुत माइल्ड है और अच्छे से बालों को साफ़ कर सकता है। आप चाहें तो सिर्फ बेबी डव वॉश से ही सर धो सकते हैं, लेकिन अगर आपका दिल नहीं मान रहा है, आपको लग रहा है बच्चों के बाल अभी भी बहुत गंदे हैं, तो आप बेबी शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप जॉनसन्स बेबी का यूज़ कर लें। मैं फ़िलहाल जॉनसन्स बेबी का यूज़ कर रही हूँ तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगी। ये टीयर्स फ्री है इसलिए इसके अंदर बहुत अच्छी बात है। हिमालय का भी यूज़ कर सकते हैं आप, बहुत से आते हैं, आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनी के आते हैं, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं।
तो नहलाने के बाद बहुत ज़रूरी होता है कि बच्चे की स्किन को मॉइस्चराइज करना। आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि लोशन वगैरह लगाने से पहले बॉडी की स्किन जो है बिल्कुल सूखी ना रहे, बल्कि पैट ड्राई रहे, यानी थोड़ी सी गीली गीली रहे। तो मैं अपने बच्चों को स्किन की जो है नहलाने के बाद ज़रूर मॉइस्चराइज करती हूँ। पहले मैं हिमालय का लोशन यूज़ करती थी, लेकिन अब मैं बेबी डव लोशन यूज़ करती हूँ जो पैराबीन फ्री है। और जैसा कि आपने देखा कि मैं डव का ही बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं डव का ही लोशन यूज़ करती हूँ। इसको आप फेस पर भी लगा सकते हैं, और बॉडी में जब थोड़ी सी गीली बॉडी हो आप लगा लें, थोड़ी सी क्वांटिटी भी लगाएंगे तो वो पूरी बॉडी पे लग जाएगी। बच्चों की स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप इसको यूज़ करें। आप चाहें तो जॉनसन्स बेबी का भी यूज़ कर सकते हैं, हिमालय का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप डव का भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन लिया है, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगी। सॉरी, नेक्स्ट प्रोडक्ट है फेस के लिए। हर माँ चाहती है उसके बच्चे का चेहरा चमकता रहे, तो आप चाहें तो फेस पर लोशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फेस की स्किन थोड़ी बॉडी से अलग होती है, तो उसके लिए अलग क्रीम होनी चाहिए। तो मैं फेस के लिए अलग ही क्रीम रखती हूँ। तो मैं शुरू से अपने बेटे के लिए, जब वो 5-6 महीने का हो गया था तब मुझे इसके बारे में पता चला था, तब मैं ये क्रीम तब से यूज़ कर रही हूँ, सेबामेट की। असल में ये बहुत पुरानी हो चुकी है, मैंने नई ऑर्डर किया है तो नई आ जाएगी। अब जब तक ये है तो इसका थोड़ा सा प्रिंट हट गया है, आप देख सकते हैं। सेबामेट प्रोटेक्टिव फेशियल क्रीम, ये चेहरे के लिए बहुत बेस्ट क्रीम है। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल स्किन पे लाइट है लेकिन स्किन बहुत अच्छी रहती है चेहरे की। ये महंगी ज़रूर है, लेकिन ये 50 ml क्रीम काफ़ी दिन तक चल जाती है। थोड़ी सी क्वांटिटी पे चेहरे पे लगाना होता है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्रीम है। मैं आपको ये बच्चों के चेहरे के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगी, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एक और चीज़ है जिसके लिए हर माँ परेशान रहती है, और वो है बच्चों के रैशेस, यानी डायपर रैश। तो मेरे बेटे के लिए रैशेस के टाइम पे मैं बहुत परेशान रही, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे इस क्रीम के बारे में पता चला। ये क्रीम है क्लोबेंजी, एंटीफंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल। यानी जब बच्चों के रैशेस हों आपको तभी ये क्रीम लगानी है। रैशेस के लिए बहुत अच्छी क्रीम है, आप 2 दिन लगाएंगे रैशेस बिल्कुल गायब हो जाएंगे। बल्कि आप जिस दिन रैश होंगे उसी दिन रात को लगाएंगे, सुबह आपको रैशेस गायब मिलेंगे। लेकिन कोशिश करिएगा 1-2 दिन लगाएं। रैशेस के अलावा आपको ये क्रीम ज़्यादा नहीं लगानी है, क्योंकि ये थोड़ी हार्ड है, लेकिन रैश के लिए बहुत अच्छी है। तो जब बच्चों को रैश हो तब आप ये क्रीम ज़रूर लगाएं। ये आप लेकर रख लीजिए, रैश के टाइम पे ये ज़रूर यूज़ करें। और जब रैश नहीं होते हैं फिर भी मैं बच्चों के क्रीम ज़रूर लगाती हूँ डायपर पहनाने से पहले डेली रात को। तो मैं कभी बोरोलिन का इस्तेमाल कर लेती हूँ। बोरोलिन एंटीसेप्टिक आयुर्वेदिक क्रीम है, बहुत अच्छी क्रीम है। इसकी वजह से रैश नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे पूरी रात डायपर पहने रहते हैं, इसलिए क्रीम लगाना ज़रूरी होता है। तो मैं या तो बोरोलिन यूज़ कर लेती हूँ, या फिर सेबामेट की रैश क्रीम, बेबी रैश क्रीम यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत अच्छा प्रोटेक्शन है, बहुत अच्छी क्रीम है। ये लगाने के बाद पाउडर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्रीम है। आप ये 2 क्रीम, या तो बोरोलिन या सेबामेट की क्रीम ज़रूर रखा करिए, और डेली लगाया करिए डायपर पहनाने से पहले। उसके बाद बारी आती है पाउडर की। तो गर्मियों में रैश क्रीम के साथ पाउडर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि पसीने आते हैं तो सिर्फ क्रीम की वजह से सही नहीं हो पाता है। तो क्रीम के ऊपर, रैश क्रीम के ऊपर पाउडर का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं रैश क्रीम के ऊपर, चाहे वो क्लोबेंजी हो या बोरोलिन हो या सेबामेट की रैश क्रीम हो, मैं उसके साथ उसके ऊपर कैंडिड पाउडर अच्छे से ज़रूर लगा देती हूँ, फिर ही डायपर पहनाती हूँ। कैंडिड पाउडर बहुत अच्छा है, ये भी इचिंग से, स्किन इरिटेशन से बहुत बहुत अच्छा है, इसको इन सब चीज़ों से बचाता है। इसके अलावा अगर बच्चों के बॉडी पे ज़्यादा रैश वैश हो जाते हैं, मैं तब भी ये पाउडर उनकी बॉडी पे अच्छे से लगा देती हूँ। उसके अलावा मैं हिमालय का ये बेबी पाउडर भी यूज़ करती हूँ। मैं दोनों बच्चों की बॉडी पे गर्मियों में ख़ास करके, क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीने आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ लोशन लगाने से काम नहीं चल पाता है। तो मैं बेबी पाउडर ज़रूर लगाती हूँ, या तो हिमालय का लगाती हूँ, या फिर जब रैशेज़ ज़्यादा हो जाते हैं तो कैंडिड पाउडर लगाती हूँ।
तो ये थी चीज़ें मेरे बच्चों की बॉडी और स्किन के प्रोटेक्शन के लिए। अब बाकी मैं कोशिश करूँगी जो चीज़ें मैंने ऑनलाइन ली हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगी। बहुत ही अफोर्डेबल हैं, आप ले सकते हैं, रख सकते हैं। इन चीज़ों को आप ज़रूर रखिए और बच्चों की स्किन का बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।